डिफो ब्रिज के बारे में, ये आपका क्यों चर्चा में है इसको आप ध्यान से देखें। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक तरह से इनॉग्रेट किया है 426 मीटर लंबा डिफो ब्रिज, कौन सी रिवर पर है, चिपू रिवर पर, ठीक है, इन लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर नदी का नाम है चिपू रिवर, इसके ऊपर ब्रिज जो है जो कि 426 मीटर लंबा होगा उसका नाम है डिफो ब्रिज। इसका आपका इनोग्रेशन उद्घाटन किसने किया है, अपनी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। अब बात करते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO हैज कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज अलोंग इंडो चाइना बॉर्डर। देखो इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास की बात करें तो वहां पर अभी इंडिया की जो एक्टिविटी है, मैं बात करूं सिंस लास्ट 2 to 3 years यानी 3-4 साल से जो अपनी एक्टिविटी चल रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और ये सोच रहा है कि मुझे जो अपना चाइना बॉर्डर है उस पर मुझे एक तरह से मुझे डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे यदि डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, यदि ट्रांसपोर्ट सही होगा तो वहाँ पर कभी भी आप युद्ध का सामान या फिर कुछ भी भेज सकते हैं, यहाँ पे ट्रूप्स आप भेज सकते हैं यदि आपके पास वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सही होता है। तो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ब्रिज की बात कर लेते हैं, कभी बार बात कर लें अपन रोड्स की, तो वहाँ पर आपको पता है कि पहाड़ियों की जगह है तो वहाँ पर रोड्स बनाना बहुत ही कठिन है। तो आपका जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने वहां पे ये आपका ब्रिज बनाया है। इसकी लेंथ ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो आपको पता है जैसे सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी थी तो उसकी हाइट भी काफी चर्चा में आई थी, उसकी कितनी लंबी ऊंची है वो, तो इसका आपका लेंथ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 426 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 2011 के अंदर हुआ था। इसके अंदर टोटल कॉस्ट आई है आपकी लगभग 4,847 करोड़ और ये आपका फंडेड किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नितिन गडकरी, ठीक है। बात है अरुणाचल प्रदेश की तो इसके CM है पेमा खांडू, ठीक है। पेमा खांडू आपके बोल सकते हैं कि एक तरह से यंगेस्ट है, यंगेस्ट सीएम ऑफ इंडिया है पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के CM है। यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा और यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। तो ये आपका कंप्लीट एक तरह से पूरा आपका कैप्सूल था कि डिफो ब्रिज क्या है, कहाँ मनाया गया है, किसने इसको इनोग्रेट किया है, कितना लंबा है, कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन से स्टेट के अंदर है, क्या इसमें कॉस्ट रही है, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी आपको 2-3 न्यूज यहाँ पे पता चल गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंकिता रैना की, ठीक है। अंकिता रैना का नाम क्यों आ रहा है, इन्होंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो कप होता है वो जीता है, ठीक है, विमेंस टूर्नामेंट है सिंगापुर के अंदर जीता है, और इसके जो इनामी राशि है वो $25,000 है, ठीक है। इन द फाइनल अंकिता डिफिटेड टॉप सीड अरंसा रस ऑफ द नेदरलैंड्स 6-3, 6-2। इन्होंने फाइनल के अंदर जो कि नीदरलैंड्स की खिलाड़ी है, टॉप सीड खिलाड़ी, मतलब टॉप की खिलाड़ी है, नंबर वन खिलाड़ी है अरंसा रस, ठीक है, नीदरलैंड की, इनको 6-3, 6-2 हराया है। तो अंकिता रैना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं कि ये वाला कप किसने जीता, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अंकिता रैना कौन से खेल संबंधित है, बिकॉज आपको पता है अंकिता रैना इतनी फेमस नहीं है जितनी कि मान लो कि मैं बात करूं साइना नेहवाल है, PV सिंधु है, तो इनका नाम थोड़ा कम है, कम लाइमलाइट में है, तो इनका नाम पूछ सकते हैं आपको कि कौन से खेल से संबंधित है, ये टेनिस खेल खेलती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पूछ सकते हैं कि आपका जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हुआ 2019 का वो कौन सी जगह पे हुआ, सिंगापुर के अंदर हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके। बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास न्यूज है प्रवासी भारतीय दिवस की। देखो प्रवासी भारतीय दिवस जनरली आपका बोलें तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 9th of January आपको पता है 9th of January को सेलिब्रेट किया जाता है, बट इसको आपका लेट सेलिब्रेट किया जा रहा है बिकॉज आपका कोई इसमें आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल करनी पड़ती हैं, तो लेट इसको मनाया जा रहा है। पहली बात तो इसका एडिशन आपको पता होना चाहिए, 15th एडिशन है, और आपका कहाँ शुरू हो रहा है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 दिन तक चलने वाला है, ठीक है, और वाराणसी के अंदर इसको फर्स्ट टाइम आपका ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। अब देखो ये तो आपकी सिंपल बात है, इसमें तो एक ही क्वेश्चन बनने वाला था कि प्रवासी भारतीय दिवस का इस बार का एडिशन कौन सा है, 15th एडिशन, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो थीम होती है, कोई भी समिट होती है, कोई भी सभा होती है, कोई भी आपके शिखर सम्मेलन होता है, उसकी आपकी थीम, मतलब लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं वहां पर, उनका एजेंडा क्या है, वो क्या सोच के इकट्ठा हुए, उनको क्या करना क्या है, तो उसकी थीम है इस साल की, वो है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। डायस्पोरा का मतलब होता है कि लोग, डायस्पोरा का मतलब वहां के लोग, है ना, तो रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, मतलब
यहाँ पे लोगों की बात हो रही है जो विदेश में रहते हैं, जो आपको अपन NRI बोलते हैं ना, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से हमारे इंडिया की हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, किस तरीके से आप अपने इंडिया को, खुद के इंडिया को हेल्प कर सकते हैं, दैट इज द थीम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात करते हैं, सेवरल वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आने वाले हैं इंडियन ओरिजिन के। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले तो मॉरिशियस जो है, मॉरिशियस के फिलहाल जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, मिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ। ये सारे आपके इंडियन ओरिजिन से गए हुए हैं, सारे सारे आपको नाम से पता लग रहा है, मिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ। ठीक है, जो भी है तो ये सारे के सारे इंडियन ओरिजिन के, तो ये भी आने वाले चीफ गेस्ट के रूप में। तो यहाँ पे बहुत सारे हाई डेलीगेट्स यहाँ पे आने वाले हैं। आपको एडिशन याद करना है, इसकी थीम याद करनी है, और ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था, तो आपके मॉरिशियस के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ। ठीक है, या वो बता होना चाहिए, एडिशन पता होना चाहिए, 15th था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो बात करते हैं एक समिट, दूसरी समिट की, तो इस समिट का नाम है अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट समिट। अरब कंट्रीज हैं उनकी समिट हो रही है, इसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है यदि आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। तो देखो ये आपकी हो रही है लेबनान की कैपिटल है बेरट के अंदर, लेबनान कंट्री है उसकी कैपिटल है, राजधानी है बेरट। ठीक है, उसके अंदर ये आपकी समिट आपका फिलहाल हैपनिंग है, हो रही है। ठीक है, द लीडर्स ऑफ मेनी अरब कंट्रीज टुक पार्ट इन द समिट एम्ड मेकिंग ए जॉइंट स्टेटमेंट ऑन ए 29 आइटम एजेंडा। एजेंडा है उसमें 29 आइटम है। ठीक है, मीटिंग हो रही है, एजेंडा होगा उसमें 29 आइटम है। ठीक है, दैट रेंजेस फ्रॉम डिस्कशन ऑन एन अरब फ्री ट्रेड जोन। बात इसमें भी चल रही है कि जितना भी आपके अरब कंट्रीज हैं उसके अंदर आपका ट्रेड फ्री हो जाए, मतलब जो आपके एक्साइज ड्यूटीज होती हैं, आपको बहुत सारा एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, आपके टैक्सेस होते हैं उनसे फ्री कर दिया जाए, आपका फ्री ट्रेड जोन हो जाए अरब वाला। ठीक है, और बात यहाँ पे हो रही है कि सीरियन रेफ्यूजीज को भी कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर उनको कैसे मैनेज किया जाए, इस बात पे भी आपके एजेंडा के 29 आइटम्स के अंदर ये भी आपके आइटम्स हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक मीटिंग इज ए prelude to the actual Arab League summit taking place in Tunisia in March. March के अंदर Tunisia में आपकी एक meeting होने वाली है Arab League summit. उसका कहीं ना कहीं एक तरह से पहले की meeting बोल सकते हैं इसको, भाई वहाँ पर कुछ आपके agenda होंगे, उनसे पहले आप छोटी मोटी meeting करके देख लेते हो कि वहाँ पर कैसा हम रहने वाले हैं, कैसे हम work करेंगे, तो उससे पहले की meeting यहाँ पे ये आपकी है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ हो रही है, लेबनान की कैपिटल बेरट के अंदर। ठीक है, और देखो अरब कंट्रीज क्या होती है, सारी सारी आपके ऑयल जो होता है ऑयल उसका प्रोडक्शन करती हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करती हैं, कंट्रोल भी करती हैं, तो इससे एक यूनियन बनता है, उस यूनियन का नाम है ओपेक, ओपेक संगठन, OPEC, ऑयल प्रोडक्शन एंड आपका एक्सपोर्टिंग कंट्रोल होता है उसकी बात करते हैं। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो अरब कंट्रीज में नहीं है, सीधी सी बात आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका जो आपका वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ओपेक का, अरब कंट्रीज में नहीं है, अरब कंट्रीज का समूह है लेकिन अरब कंट्रीज में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, एक पर्सन है मेसेजो नोना का। ठीक है, मेसेजो नोना का नाम से लग रहा है कि जैपनीज है बिल्कुल, तो ये आपके वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन थे और इनका निधन हो गया है 113 साल की उम्र में। ठीक है, नो डाउट कि आपको सबको पता है कि जापान की जो वहां का रहन सहन है वो इतना ही आपका बहुत ही एक तरह से प्योर है, वो नेचर से जुड़े हुए कि उनकी उम्र मोर देन 100 तो होती ही होती है, मतलब आदमी चार पीढ़ियां तो देखता देखता है खुद की और अपने और तीन पीढ़ियां और देखता है, बिकॉज उसकी उम्र 100 ईयर्स होती है, बिकॉज उतना वो नेचुरल है, जापान के अंदर ऐसा है। ठीक है, सो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, मेसेजो नोना का, और आपकी सिटीजनशिप की बात करें आपके जैपनीज है। ठीक है, तो इनका एक तरह से बात करें, इनका जो रिकॉर्ड है गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अप्रैल 2018 के अंदर बनाया था इन्होंने, जो कि आपको बोल सकते हैं कि जब ये आपके ओल्डेस्ट पर्सन थे एक तरह से वर्ल्ड के। ठीक है, तो इनका गाइनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है वो भी इनका है, और ये जैपनीज हैं, उनका नाम आपको बताना चाहिए, मेसेजो नोना का, इन द एज ऑफ 113। आगे बढ़ते हैं, एक रैंकिंग आई है, ठीक है, उसके तहत बात करें तो इंडिया जो है वो 2019 की बात करें, 2019 के बाद में आपका जो यूके है यूनाइटेड किंगडम उसको सरपास कर जाएगा, उसको पार कर जाएगा यदि इकोनॉमी की बात करें तो। सो इंडिया इज लाइकली टू सरपास द यूनाइटेड किंगडम इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी रैंकिंग्स इन 2019 टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया थोड़े दिनों पहले ही 6th लार्जेस्ट बना था, तो अब अपन से ऊपर जो है जस्ट
जस्ट ऊपर है वो यूके है। तो 2019 के अंदर ऐसी संभावना है, रैंकिंग आई है जिसके तहत आपको लग रहा है कि 2019 के अंदर यूके को भी पार करके इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहती है, किसने इस रिपोर्ट को निकाला है, बाय ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी, एक फर्म है, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है पीडब्ल्यूसी, उसने आपकी रिपोर्ट बताई है 2019 के अंदर ऐसा हो सकता है। तो इसकी रिपोर्ट है वो प्रोजेक्ट करती है कि जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो 1.6% यूके की है और 1.7% फ्रांस की है, लेकिन बात करें इंडिया की तो ये है 7.6%, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड ऑल द रिमेनिंग कंट्रीज फॉर विच आई टॉक्ड अबाउट वो आपकी सारी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है तो वहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत कम रहती है। जीडीपी 1, 2, 3, 4 आपको पता है, चाइना की बात करें पिछले 30 सालों की लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ चल रही है फिलहाल, आपको पता हो तो पिछले 3 दशकों से अभी फिलहाल जो आपकी जीडीपी चल रही है चाइना की वो सबसे लोएस्ट है, लेकिन वो उसकी एक्सपेंडेबल कितना एक्सपांड हो आपको पता है, उसकी मार्केट कैप कितनी है आपको सबको पता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपी बात करें, इन टर्म्स ऑफ करेंसी बात करें तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन वो परसेंटेज जो ग्रोथ है ना वो बहुत कम है। और इंडिया की बात करें तो ये आपका 7-8% के आसपास अमूमन चलता है, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कम आया था लेकिन फिलहाल ये अपन सही ट्रैक के ऊपर है। तो इंडिया की ग्रोथ रेट 7.6% रहने वाली है अकॉर्डिंग टू पीएससी इन आपका 2019। आगे बात करते हैं, आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है, ठीक है, एनुअल मीटिंग हुई है, तो ये दावोस जो आपका जगह है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर, तो 5 दिन चलने वाली है, थीम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो दावोस के अंदर ही होती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, बट आपको इसकी थीम पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज द थीम ऑफ 2019? द थीम ऑफ दैट इवेंट वुड बी ग्लोबलाइजेशन 4.0, यानी ग्लोबलाइजेशन का फोर्थ, एकदम जो फोर्थ पार्ट है वो, शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दैट मीन्स कि आपकी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर आप कैसे शेप करते हो ग्लोबल आर्किटेक्चर को, ग्लोबल आर्किटेक्चर का मतलब आप कैसे शेप करते हो जो आपकी सारी आपकी स्कीम्स होती हैं, सारे आपके डेवलपमेंट्स होते हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे शेप करते हैं, ये आपकी एक तरह से थीम है इस बार के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग की, जो कि हमेशा होता है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। एक बार आपको पता है कि मे बी लास्ट की बात करें या लास्ट से लास्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको जो एक अवार्ड, अलग से अवार्ड दिया जाता है, तो वहाँ पे शाहरुख खान को भी बुलाया गया था, आपको सबको पता होगा इस बात के बारे में। तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लेते हैं, इसके फाउंडर और चेयरमैन जो हैं वो आपके क्लॉस स्वाब, ठीक है, क्लॉस स्वाब का नाम आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर एंड चेयरमैन क्लॉस स्वाब। देखो नाम थोड़ा अजीब है लेकिन वी हैव टू रिमेंबर दैट। एंड बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की, सो स्विट्जरलैंड के अंदर ही आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। देखो जब भी बात होगी आपके जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, उसका चेयरमैन वगैरह जो भी है, उसका एमडी वगैरह जो भी है उसका, वो आपको पता होना चाहिए, आपका फाउंडर वगैरह भी, एंड मे बी उसकी फाउंडिंग डेट भी पता हो। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद की, एंड आईआईटी हैदराबाद का नाम क्यों आ रहा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने अनाउंस किया कि ये लॉन्च करेगा एक फुल फ्लेज्ड बैचलर प्रोग्राम, किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ उसमें बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की। दैट मीन्स कि अब फर्स्ट टाइप का आपका अपने आप में एक तरह से फर्स्ट टाइप का कोर्स बन जाएगा, फुल बीटेक प्रोग्राम है आपका, तो ये बैचलर प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ही सिखाई जाएगी पूरे सेशन के अंदर, ठीक है, और ये आपका इंडिया के लिए ए फर्स्ट टू द कंट्री, आपका इंडिया के लिए पहला होगा एंड ओनली द थर्ड ग्लोबली, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड नंबर का है, और इंडिया की बात करें तो फर्स्ट टाइम आपका हो जाएगा कि आपका फुल बैचलर प्रोग्राम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको सबको पता है कि आजकल जैसे बात करें चाइना ने तो एक तरह से जो आपका न्यूज कमेंटेटर होते हैं ना, जो आपके न्यूज एडिटर्स होते हैं, उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के बिठा रखा है, मतलब वो खुद आपका बोलता है, वो आपका रोबोट है एक तरीके से। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक पहुंच गया है, तो इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, इंडिया ने भी राइट डायरेक्शन में इसमें कदम उठाया है। और इंडिया की बात करें तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बैचलर प्रोग्राम हो कौन सी आईआईटी ने या फिर कौन से इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया, सो ये हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद इसका राइट आंसर है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है टेक्नोलॉजीज होती है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, बात करें और इंडिया के लिए पहला है और वर्ल्ड के लिए थर्ड है। नेपाल के सेंट्रल बैंक की भी कुछ बातें आ रही हैं, नेपाल के सेंट्रल बैंक ने क्या किया है वो देख लेते हैं। तो नेपाल राष्ट्र बैंक है ना, नेपाल का सेंट्रल बैंक का नाम है नेपाल राष्ट्र बैंक, यानी एनआरबी, जैसे अपन बोलते हैं कि आरबीआई है ना, वैसे आपका वहां पर है एनआरबी, उसने
वहां में नेपाल में आपके इंडियन करेंसी जो कि 100 रुपए से ऊपर है, 100 रुपए से ऊपर मतलब 100 तक तो ठीक है, उससे ऊपर मतलब 200, 500 और 2000 के नोट वहां पे कैंसल डिनोमिनेशन वहां पे कर दिए हैं, यूज नहीं कर सकते आप। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एनआरबी ने जो बोला है कि इंडियन करेंसी है 200, 500, 2000 रुपए की, वो कैन नॉट बी कैरिड एंड यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, वो नेपाल के अंदर नहीं चलेगी, उसको बंद करना पड़ेगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत थोड़ा लॉस भी हो सकता है इससे, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल और इंडिया तो अलग, बस कहने की बात ही अलग है, वहाँ पे लोग बिल्कुल सेम है, भाषा भी लगभग सेम है और बिल्कुल सब कुछ सेम है और करेंसी भी लगभग सेम है। तो वहाँ पे यदि ऐसा होगा कि मोर देन 100 रुपीज़ के नोट बंद कर दिए जाएंगे तो छोटे मोटे लोग हैं आपके वर्कर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज नेपाल के कुछ लोग यहाँ काम करते हैं तो ऐसे पैसे भेजते हैं, है ना, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपके बैंक है उसने डिसीजन लिया है कि 200 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये, 2000 के नोट जो भी हैं इंडियन करेंसी है वो बंद की जाएगी, तो देखो ऐसा करना ही पड़ेगा। और ये अफेक्ट किसको करेगा, इंडियन टूरिस्ट को अफेक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ से कुछ लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं तो ऑब्वियस है कि करेंसी वहाँ पे चलती है, तो करेंसी बदलाने की जरूरत है नहीं, तो यही करेंसी चलती है तो यही करेंसी आपके देते हैं वहां पर, व्यापार में चलती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा तो काफी इफेक्ट पड़ेगा इस बात से। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश की बैंक ने इंडियन करेंसी को आपका बैन किया है, नेपाल की बैंक ने, ठीक है, और कौन सी करेंसी को से छोड़ के तो 100 से ऊपर के नोट सारे बैन कर दिए हैं। बैन का मतलब वहां पे डिनोमिनेशन, वहां पे ट्रेडिंग में काम नहीं आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आज के अपन सारे करंट अफेयर्स थे, तो टॉप 10, टॉप 20 न्यूज अपने पास थी, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और एक तरह से बिल्कुल एनालिसिस करता हूँ मैं, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनाता कि एमसीक्यू लिखा और उसका आंसर हो गया, उसको पहले ढंग से पढ़ना पड़ता है कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उससे पूरे पूरा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, तब जाके आपको उसको याद करना पड़ेगा और याद रहेगा आपको, है ना। तो आज का अपना सेशन था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप, और कोई भी रिक्रूटमेंट के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।